जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे स्वस्थ हैं, मस्त हैं और तंदुरुस्त हैं। उम्मीद करता हूँ एकदम आप लोग फिट एंड फाइन भी होंगे। यार सब तरफ आप लोग एक ही वर्ड सुन रहे होंगे आज के टाइम पर कि G20 G20 G20, और आप लोगों के माइंड में भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे इसको लेकर कि आखिर में ये G20 है क्या, पूरे विश्व की नज़र भारत पर ही क्यों है, भारत की क्या भूमिका रहने वाली है। तो इन सारे क्वेश्चंस के जवाब जो है आज मैं आपको इस सेशन में देने वाला हूँ। G20 की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, क्या कारण रहे, इन सारे पॉइंट्स अगर आप लोगों को किसी के बारे में कुछ नहीं पता है तो भैया आज इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी पृष्ठभूमि के साथ में, आखिर में क्यों G20 की स्थापना की जरूरत पड़ी। तो भैया 1997 जुलाई मंथ में क्या हुआ, एशियाई वित्तीय संकट आया है ना, फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो आए। तो सबसे पहले कहाँ आया भाई, थाईलैंड, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, इस तरह से जो है ये आगे बढ़ता गया। तो पहले तो होता था केवल एक ही ग्रुप जिसको कहा जाता था G7, है ना, और इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। G7 में कौन कौन था, जैसे आपका अमेरिका, ब्रिटेन, है ना, ये पावरफुल जो देश है ना, ये सारे जो है यहाँ पर, जापान, जर्मनी, ये सभी थे। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी विकसित देश थे, है ना, तो इनको तो अपना जो है इकोनॉमी ऑलरेडी बेटर जो है मिला हुआ था क्योंकि अच्छे से चल रहा था इनका सब कुछ। लेकिन वित्तीय संकट कहाँ है, यहाँ है। तो भविष्य में ऐसी परेशानियों से कैसे निकला जाए, तो इसके लिए G20 का गठन किया गया, ठीक है। तो ग्लोबल साउथ की चिंता के लिए क्या हुआ, G20 की स्टार्टिंग हुई, ओके। यहाँ अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल क्राइसिस कब आया, 1997 में आया। इसकी स्थापना कब हुई, 1999 में हुई, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले सिर्फ जो है इन बैठकों में गवर्नर्स ही जाते थे, है ना, ठीक है। फिर क्या होने लगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन की शुरुआत जो है 2008 से हुई, और इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जो G20 देश है इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे कि राष्ट्रपति, इनके प्रधानमंत्री, ये जाने लगे, ठीक है, क्लियर, और ये डिस्कशंस करने लगे। अगर हम बात करते हैं इसके परिचय की, तो देखो इसकी स्थापना कब हुई, मैंने अभी आपको बताया था इसकी स्थापना 1999 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है, कोई पर्टिकुलर किसी प्लेस पर है क्या, नहीं भाई, इसका कहीं पर कोई मुख्यालय नहीं है, क्लियर। इसके अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं, कैसे चुना जाता है भाई इसका अध्यक्ष, है ना, कि कौन इसकी अध्यक्षता करेगा, कैसे पता चलेगा, तो इसकी अध्यक्षता जो है वो ट्रायोका के स्टार्टिंग से पता चलता है, किससे, ट्रायोका, ठीक है, ट्रायोका से पता चलता है। कैसे भाई, इसमें होते हैं भैया तीन देश, ठीक है, तीन देश कौन से, जो पहले मेजबानी कर चुका है, ठीक है, जो अब मेजबानी करेगा और जो आगे मेजबानी करेगा, ये तीन, ठीक है। इससे पहले किसने मेजबानी की, 2022, जैसे कि 2022 की बात करता हूँ, 2023 की बात करता हूँ और 2024 की बात करता हूँ। तो भैया 2022 में इंडोनेशिया ने जो है इसकी अध्यक्षता की, देन फिर अब कौन कर रहा है, भारत कर रहा है, और इसके बाद कौन करेगा, ब्राज़ील करेगा 2024 में, ठीक है। पूरे एक साल की जो है इसका कार्यकाल रहता है, एक तरह से हम ये मान सकते हैं, ये कह सकते हैं 2022 में। भाई अब ये आयोजन कैसे हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ से जानकारी यहाँ तक पहुँचती है, फिर ये प्लान करेगा तो यहाँ से सारी जानकारी यहाँ पर पहुँचेगी, ओके। पूरे साल भर से जो है इसकी प्लानिंग चलती रहती है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत ने की जो है यहाँ पर इसकी स्टार्टिंग कब से हुई थी, इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1 दिसंबर 2022 से, ठीक है, और कब तक चलेगी भैया, कब तक कार्यकाल रहेगा, ये रहेगा 30 नवंबर 2023 तक, ओके, क्लियर। इसका मेनली उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहले आपको इसका उद्देश्य जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पता होना चाहिए, मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना, ठीक है, ये इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट, वैश्विक आर्थिक एजेंडा, यह भी एक इसका उद्देश्य है, दुनिया की 2/3 आबादी, ठीक है, ये जो G20 देश है इसमें दुनिया की कितनी है, 2/3 आबादी है। इसके अलावा इन 20 देशों में कि अगर हम GDP की बात करते हैं तो 85% जो है GDP इन 20 देशों के, मतलब कि ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये आप लोगों को पता चल रहा है कि इन 20 देशों की अगर मैं GDP की बात करता हूँ तो वो टोटल कितनी है, 85% इनकी GDP है, ठीक है। वैश्विक व्यापार कितना इनका, 75% इनका पूरा वैश्विक व्यापार है। तो अब आप खुद सोच सकते हो कि यार ये 20 देश जो है कितनी इंपॉर्टेंसी रखते हैं, क्लियर। इसमें कौन कौन से कंट्रीज है ये सारी चीजें भी मैं अब आपको क्लियर कर देता हूं। जैसा कि आपको नजर आ रहा है यहां पर G20 में कौन कौन से देश शामिल है, है ना, इसमें अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और
टोटल देश की अगर बात की जाए ना तो टोटल देश 19 ही है, और ये जो लास्ट वाला 20 ये है ये यूरोपीय संघ है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, क्योंकि हम क्या करते हैं इस यूरोपीय संघ जो है इसको भी कंट्री में काउंट कर लेते हैं। अगर कंट्रीज की बात की जाए तो टोटल 19 कंट्रीज है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। और 20वां कौन है भैया? यूरोपीय संघ है। ओके क्लियर, यहां तक आप लोगों को पता चल गया होगा। इस अगर हम बात करते हैं तो भैया इसके टोटल 5 ग्रुप बने हुए हैं। कितने ग्रुप बने हुए? 5 ग्रुप। हर ग्रुप में 4-4 कंट्रीज रखे गए हैं, है ना, क्लियर है। कितने कंट्रीज रखे गए हैं? 4-4 कंट्रीज रखे गए। भारत के उनसे ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में है। ओके चलो, क्यों होता है G20 शिखर सम्मेलन आखिर में, है ना। तो पहले यहां पर मैं आपको बता देता हूं, इस पहला सम्मेलन जो है इसका हुआ था दिसंबर 1999 में। कहां हुआ था? बर्लिन में। ये कहां है? जर्मनी में है, क्लियर। पहला अगर शिखर सम्मेलन की यहां पर बात करते हैं तो वो हुआ था यहां पर, पहला सम्मेलन और पहला शिखर सम्मेलन, ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें। पहला शिखर सम्मेलन हुआ था नवंबर 2008 में, और क्यों? अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग, आतंकवाद, मानव तस्करी, ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दों पर डिस्कशन करने के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है ना कि अब तो फिर भी जो है आतंकवाद अगर भारत के ओपिनियन से देखा जाए तो काफी कम हो चुका है। पहले तो हमारा पड़ोसी देश जो है काफी अच्छा हमारा मित्र है, जो कभी भी, है ना, बैठे बैठे और कुछ नहीं तो चलो यार भारत में जो है बॉम्ब ब्लास्ट से करवा देते हैं, है ना, यही किया जाता था। तो भैया आतंकवाद को बढ़ावा मिलना, जैसे मानव तस्करी, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, ये ऐसे जो मुद्दे होते हैं ना, इन पर डिस्कशंस करने के लिए इसकी जो है यहाँ पर शिखर सम्मेलन की जरूरत पड़ी। ओके नेक्स्ट, इसकी कार्यप्रणाली क्या होती है, कैसे काम करता है, क्या चीज है भैया? तो देखो, G20 की अध्यक्षता के तहत एक वर्ष के लिए G20 एजेंडा का संचालन किया जाता है। कितने वर्ष के लिए? एक वर्ष के लिए, ठीक है, क्लियर। अभी मैंने आपको बताया कि इस बार मेजबानी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। तो अगली बार कौन करेगा? ब्राजील करेगा, ठीक है। एक एक साल की इसकी अध्यक्षता होती है, हर मतलब साल जो है ये चेंज होता रहता है, हर देश को एक एक साल में मौका मिलता रहता है। नेक्स्ट, शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, ठीक है। G20 में दो समांतर ट्रैक होते हैं, क्या होते हैं? दो समांतर ट्रैक होते हैं। पहला होता है एक तो वित्तीय ट्रैक, मतलब कि वित्त ट्रैक, और दूसरा होता है शेरपा ट्रैक, ठीक है। कौन सा होता है? वित्त ट्रैक, और दूसरा होता है शेरपा ट्रैक। वित्त ट्रैक में कौन होता है? इसके जो प्रमुख की अगर मैं बात करता हूं तो वित्त मंत्री रहते हैं और केंद्रीय गवर्नर होते हैं, क्लियर। शेरपा ट्रैक में राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि जो है वो इसको लीड करते हैं। शेरपा वर्ष के दौरान हुई वार्ता का पर्यवेक्षण करता है, मतलब पूरे साल कैसे क्या डिस्कशन हुआ, आगे क्या प्लानिंग रहने वाली है, इसके क्या मुद्दे रहने वाले हैं, इन सब के बारे में कौन स्टार्टिंग करता है? शेरपा ट्रैक, ठीक है। शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा आइटम पर चर्चा की जाती है। इसके अलावा संपर्क समूह G20 देशों के नागरिक समाजों, सांसदों, विचार मंचों और महिलाओं, युवाओं, श्रमिकों, व्यवसायों और शोधकर्ताओं को एक साथ लाते हैं, ठीक है, क्लियर। ये आप लोगों को यहाँ पर पता चला। अगर मैं इसके आगे बात करता हूँ कि इसकी अध्यक्षता की, तो भाई भारत इसकी अध्यक्षता पहली बार कर रहा है, ठीक है। G20 की अध्यक्षता भारत ने इससे पहले कभी नहीं की है, ये फर्स्ट टाइम है, इसीलिए जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है हर तरफ, है ना। स्टार्टिंग कोई भी चीज़ होती है तो होता है ना यार थोड़ा सा, तो पहली बार भारत कर रहा है, ठीक है। और भारत का कार्यकाल जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कब स्टार्ट हुआ था, 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक, ठीक है। क्या मुद्दे हो सकते हैं इसके प्रमुख भाई भारत में इस बार हो रहा है ये हमारे जो G20 सम्मेलन, इसके प्रमुख मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं? तो इसके प्रमुख मुद्दे हो सकते हैं जैसे कि आपको पता है यूक्रेन युद्ध, है ना, रशिया यूक्रेन युद्ध, जलवायु परिवर्तन, भोजन और ऊर्जा की कीमत, ग्लोबल साउथ को समर्थन और नव उपनिवेशवाद से बचाव, ठीक है। ये सारे मुद्दे हो सकते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं ना रशिया मान रहा है ना यूक्रेन मान रहा है, तो भैया इनके बीच में अनबन चली रही है, तो कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन निकल सके, ठीक है। इसके अलावा ऊर्जा की कीमतें बढ़ानी है घटानी है, इनके सारे जो डिस्कशन हैं कैसे जो है आम नागरिकों तक पहुँचाई जाए ताकि सारी जो है अर्थव्यवस्था भी बराबर चले, किसी को कोई दिक्कत भी ना हो, तो ये जो मुद्दे होते हैं इन सभी पर जो है डिस्कशन किया जाना है। ओके क्लियर, तो इस बार ध्यान रखना इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। हर साल जो है इसकी अध्यक्षता चेंज होती है। भारत का कार्यकाल 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक है, क्लियर। ओके तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अगर सेशन में आप लोगों को मज़ा आया है तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहले तो थैंक यू सो मच, अपने दोस्तों के साथ में सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचनी ज़रूर चाहिए, है ना। और सेशन में अगर किसी तरह का आपको कोई डाउट है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा।
इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए भी आपके लिए कमेंट बॉक्स का ऑप्शन है। तो फिर मिलते हैं बेटा हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक सारे बच्चे स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद के साथ में। जय हिंद और बाय बाय।